नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता है सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। बाबा हनुमान जी के दर्शन हेतु मंत्र है, सर्व कार्य सिद्धि हेतु शावर मंत्र प्रयोग है, किसी के ऊपर बंधन है, किसी के ऊपर भूत प्रेत किया कराया है, इससे हनुमान बाबा की चौंकी भी लगती है। जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा, जो मैं विधि आपको बताऊँगा, सर्वप्रथम सबसे पहले निवेदन रहता है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 3 मेरे और चैनल है गुरु गोखना शिव गोरक्षण नौ चासी सिद्ध। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित कोई भी शिष्य लेनी किसी भी चैनल के ऊपर आप बोलते ना कि जाके माय प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। और इंटरनेट की दुनिया में कोई भी आपको कहता है कि मैं सन्नी का गुरु भाई हूँ या मेरे चैनल है या मैं उसको जानता हूँ या मैं उसका गुरु हूँ, तो आपने किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। ना तो मेरा कोई गुरु है ना ही मेरा कोई इंटरनेट पर बोलते ना कि मेरे लिंक में ये लोग सिर्फ पैसा हेरने के लिए करते। तो मेरे नाम से आपने किसी को कुछ नहीं देना। जो भी कार्य आपने करवाना है, जितने भी मैंने रेफरेंस दिए डायरेक्टली मेरे साथ ही लिंकड है, उन पर सब मैं ही बात करता हूँ। आपने डायरेक्टली जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जहाँ जहाँ पर भी आप लोग मेरी आवाज़ सुनते हो, तो मेरे साथ ही आपने कंसल्ट करना डायरेक्टली। यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, तो आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखो और समझो। गुरु स्नेह में या किसी जानकार के अंडर रह के करना। अगर मेरे से कोई मंत्र शब्द लेना आपने, आप मेरे मुख से ले सकते हो, लेकिन बिना भोग प्रसाद के मैं देश करता नहीं हूँ। भोग प्रसाद जब आप मेरे को भेज देते हो, धोने की सेवा भेज देते हो, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको उसकी विधि और साधना दे दूंगा। आप वो कर सकते हो और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। किसी के घर में किया कराया दुख तकलीफ है, कट नहीं रहा है, या किसी की चौकी बंधी हुई है, चौकी सवारी खलवाना चाहता है, या वो चौकी सवारी लेना चाहता है, या गुरु पहले दिया होता है एकदम से बंद हो गया, गुरु जानकारी दे रहा है, तो आप लोगों ने अपना फोटो और अपना आईडी प्रूफ जरूर भेजना, चाहे आप लड़का है लड़की हो। उसके बाद ही मेरे को क्वेश्चन पुट करना है, जो कुछ भी पूछना है। और मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार की साधना लेनी है, गुरु मंत्र लेना, गुरु मंत्र सिर्फ गुरु पूर्णिमा को मिलता है, जो साल में एक बार ही आती है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, वो भी मैं बिना जांचे पड़ताल किसी को देता नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ मेरे से आपको मिलनी है, स्पष्ट रूप से आपने नियमों के अंडर रह के करनी है। अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि जितनी भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक्यूरेट 100% अपने अनुभव के आधार पर दी जाती है। किताबी ज्ञान मैं यहाँ पे नहीं चेपता हूँ। आपको बता दूँ, किसी को बोलूँ कि किताबों से मंत्र दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मंत्र जो भी विधि दे रहा हूँ, पूर्णतः रूप से पहले अजमाई गई है, टेस्ट करी गई है, फिर ही आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग में सनी नाथ पे आता हूँ, लाइव चैट में भी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, साधना संबंधी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। किसी प्रकार का कार्य कराना, कुछ भी कराना, तो हवन करवाना चाहते हो, मैं आपको बता दूँ, पेड है वो, जो उसका भोग प्रसाद है वो आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो कार्य संपूर्ण होंगे आपके। सो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो सर्व कार्य हेतु बाबा हनुमान जी के दर्शन हेतु एवं किसी भी कार्य को आप निकालना चाहते हो तो सिद्धि प्राप्ति के लिए, और शावर मंत्र का मैं आपको प्रयोग देने जा रहा हूँ। ये हनुमान बाबा का वो बोलते हैं ना प्रयोग है। इस प्रयोग को मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है। आप पहले विधि सुन लो। आपको तो प्रातःकाल आपको जब इसकी पहले विधि सुन लो, प्रम करने से पहले आपको चंडी माता का कवच या आप राम रक्षा कवच का 3 बार पाठ जरूर करें, क्योंकि हनुमान बाबा के साथ कई गण चलते हैं, वो डायरेक्टली आपके शरीर पे, क्योंकि इससे आपके ऊपर सवारी चौकी भी खुलती है, गद्दी भी लगती है हनुमान बाबा की, ठीक है। पूजा सामग्री में आपको क्या चाहिए, लाल चंदन चाहिए, ठीक है, गुग्गल चाहिए आपको, लड्डू चाहिए, संदूर चाहिए, गुड़ चाहिए, केसर, देसी घी एवं फूल की आपको माला चाहिए, वो आपने लेनी है, पीले फूलों की माला, गेंदे का फूल लेना आपने। प्रातःकाल सुबह आपको लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल वस्त्र सिर के ऊपर बांधने के बाद हनुमान जी की मूर्ति पर आपको सिंदूर लगाना है और माला पहनानी है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो के ऊपर कर सकते हो, सिंदूर का तिलक फोटो को कर दो, बाकी जो शेष सिंदूर बचता है, या आप वो मंदिर में जाके वो तो हनुमान जब जहाँ पर हनुमान जी मूर्ति को चोला चढ़ता है वहाँ पर आप दे सकते हो, और पंडित को बोल सकते हो कि आप मेरे नाम की अरदास लगा दो, वहाँ पर भी आपकी अरदास लग जाएगी, ठीक है। माला पहनाने के बाद हनुमान जी को निवेदन करनी है कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपने दर्शन देने हैं, डरावने नहीं देने हैं, गणना आए सौम्य रूप में आप आओ, दर्शन दे के आओ, और बोलते ना सुगंध दिलाने, बोलते ना राम जी की सुगंध दिलाने, सो उनको सुगंध देनी, और श्री रामचंद्र जी से आपने अनुरोध करना, और श्री रामचंद्र जी के नाम की पहली माला आपने राम राम नाम की माला एक फेरनी है। संध्या काल में अपने माला पहनाते हैं हनुमान जी को केसर, ठीक है, बोलते ना केसर, गुग्गल, लाल चंदन, देसी घी मिलाकर सामग्री बना के अंगारी के ऊपर धूप देनी है आपको, ठीक है। धूप देने तक, ठीक है, तब धूप तब तक देते रहना जब तक गुड़ सिंदूर और बिल्कुल घी मिलकर हनुमान जी को तिलक करे, फिर स्वयं तिलक लगा रहे। ब्रह्मचार्य का पालना करना, याद रखना साधना में ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना है, और साधना काल में वहीं पर आपने सोना है जहाँ पे आपने रखा है। 21 दिवस तक आपको 11-11 माला करनी है। सुबह शाम आपको धूप अगरबत्ती करनी है। देखो मंत्र आप चाहे एक टाइम ही पढ़ना, लेकिन आरती देनी जरूरी है, भोग लगाना जरूरी है उनको, तो क्योंकि मंत्र ऐसा है इसकी कम से कम आपको बोलते ना कि 11 माला देनी है। अगर आप 11 से ज़्यादा देते हो, अगर सच में आप हनुमान बाबा के दर्शन पाना चाहते हो, प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो आपने करना है। बाद में आपको तो सुबह शाम धूप करने, अगरबत्ती करने के बाद लड्डुओं का भोग लगाने के बाद, तो प्रसाद
अपने बच्चों में वितरण कर देना है, बच्चों को दे देना है, ठीक है। और साधना के कई दिनों में अन्य पूजा पाठ नहीं करना है, केवल रामायण या सुंदरकांड का पाठ करना है। विशेष कार्य हेतु वो कक्ष में पूजा स्थान से बाहर आना है, जब आपको जरूरत हो तभी जाना है, अन्य किसी और पूजा स्थान पर आपने जाके मंत्र जाप नहीं करना है। अतिरिक्त राम राम का जप आपने हृदय में सदा ही करते रहना है, चलता ही रहना चाहिए, ठीक है। नमक मिर्ची कम खाना है, दूध आहार ज़्यादा खाना है, फलदार आप ज़्यादा ले सकते हो, खाना कोशिश करो कम खाओ, अगर फास्ट रखते हो तो और भी बढ़िया है। और ये जो मैं विधान बता रहा हूँ ये सिर्फ जेंट्स ही करेंगे, लेडीज़ नहीं करेंगी ये, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा आगे आपको, क्योंकि लेडीज़ को करने के लिए। और ये जितनी भी मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ, जो विधि बता रहा हूँ, ये बोलते ना पूर्ण रूप से गुरु सनिधि में करनी है, किताबों में आपको इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, बुक्स बड़ी छपती हैं, मंत्र बड़े छपते हैं, वहाँ पे मंत्र लिखते हैं, सिनीचा लिखते हैं, 108 बार जप कर लो सिद्ध हो जाए, 108 बार में सिद्ध नहीं होते हैं ऐसे, पूर्ण रूप से विधि भी पता होनी चाहिए, तब जाके मंत्र आपके कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं है, जो भी करना है सो समझ के करना। फलाहार एक समय आप बोलते हैं, एक समय पर दर्शाएँ, अवश्य दर्शन जरूर होंगे आपको, किसी कारणवश वर्तमान में आपने पाप किए कारण है तो दर्शन ना भी हो तो मंत्र आपका जरूर सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको दर्शन नहीं होते, पाप करते हो उस दौरान में, लड़की की इज्जत नहीं करते हो, किसी को गाली देते हो, गलौज करते हो, तो आपको दर्शन चाहे ना हो, चाहे मूर्ति रूप में हो, लेकिन आपको वो बोलते ना कि उनकी मंत्र की सिद्धि जरूर मिल जाएगी, एक बार में सिद्धि मिल जाएगी, क्योंकि हनुमान बाबा जी जल्द ही वो बोलते ना कृपा करते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये स्वप्न में ही दर्शन होने, प्रत्यक्ष दर्शन आपके निर्मल भाव के ऊपर निर्भर करता है। स्वप्न में जो दर्शन होंगे, पहले आपको फोटो या मूर्ति या इनका मंत्र देख सकता है, प्रत्यक्ष दर्शन वो होंगे जिनमें आपको स्वप्न में ही ये लाइव चलते हुए दिखाई देंगे, जैसे हम नॉर्मल इंसान हम देखते हैं वैसे ही आपको, ठीक है। वाचा करने वाला निर्मल बना रहे, सत्य का व्रत करना है, धारण करना है, राम राम का जप चलता रहना है। नौ याद कर लो, प्रातः काल की पूजा 8:15 बजे से करनी है, बस उससे पहले हनुमान जी की, स्वयं राम जी की सेवा करने में हाजिर रहते हैं, याद रखना 8:15 के बाद ही आपने करना, ठीक है। आपकी साधना सफल है, यही मैं मंगन कामना करूँगा, तो ये साधना और मैं जरूर महाराज से बोलना एक दुआ करूँगा। अगर आप ये मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, मेरे थ्रू आपने लेना है, आदेश लेना चाहते हो, तो मैं आपको आदेश दूंगा, लेकिन भोग प्रसाद आपको पहले भेजना पड़ेगा, हमारी अरदास धूने पर होती है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार धूने पर बोलते हैं जो भोग प्रसाद लगना दे सकते हो, तभी आप ये मंत्र करना, तभी आपका सिद्ध होगा, ठीक है ना। अगर मेरे देश से भी आप करना चाहते हो तो मंत्र आप सुनो, मंत्र आपको कहीं पे नहीं मिलना, ये मंत्र आपको सेम लगेगा लेकिन इसमें शब्द चेंज है, किताबी मंत्र और किताबी ज्ञान नहीं है। मंत्र है, हनुमान जी सहाय, जाग जाग हनुमान हठीले, माता अंजनी का जाया, औखे वेले सिमरिया दौड़ता आया, लंका सी कोट समुंदर सी खाई, जहाँ फिरी हनुमान की दुहाई, रक्षा करे श्री राम लक्ष्मण भाई, लोहे का संगल सार का मार, हनुमान जी किलकार मार, लौंग सुपारी जैफल तीनों पूजा लियो, एक राजा राम की आए दिखाई दियो, ठीक है। अब देखो ये दुहाई लग रही है, एक राजा राम की आए दिखाली दियो, ठीक है। तो जो दिखाली दियो जो लग रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो है वो दुहाई मंत्र एक बार सुन लो, हनुमान जी सहाय, जाग जाग हनुमान हटीले, माता अंजनी का जाया, औखी बेली सिमरिया दौड़ता आया, लंका सी कोट समुंदर सी खाई, जहाँ फिरे हनुमान की दुहाई, रक्षा करे श्री राम लक्ष्मण भाई, लोहे का संगल सार का मार, हनुमान जी किलकारी मार, लौंग सफारी जैफल तीनों की पूजा लियो, एक राजा राम जी की आया दिखाली दियो, ठीक है। ये दुहाई लगी है, जैसे शब्द बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है, स्लो बोलता हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत होती है बोलने, फास्ट बोलता हूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आता, फिर भी मैंने जितना आपको बताना, वीडियो को दोबारा एक बार रिवर्स करके यानी बैक करके, आप उनको बैक फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, धीरे धीरे मंत्र को लिख लेना। इस मंत्र का प्रयोग गुरु सनिधि में करना, मेरे से लेना, मैं आपको बता दूँ, पहले धोने पर भोग प्रसाद जरूर पहुँचा देना, 100% आपका मंत्र और विधि कार्य करेगी जब मैं आदेश करूँगा यहाँ से। और अगर आप गुरु सनिधि हैं तो अपने गुरु के मुख से भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ से मंत्र चलता है वहाँ पर कुछ ना कुछ भोग प्रसाद आपका पहुँचाना जरूर फर्ज बनता है। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, याद रखना मेरे मंत्र है, मेरे से तो जरूर है, चाहे आप 10 रुपये का दान करो करना जरूर है, चीज़ इधर से चलनी है, दी गई है, अपने गुरुमुख से लेनी है, आपने जो लोग गुरु दीक्षित है, जो लोग नॉर्मली ऐसे सीधे डायरेक्टली साधा करने उनको भी मैं आदेश करूँगा, लेकिन भोग प्रसाद आने के बाद। सो मेरे 4 चैनल है, गुरु होना शिव गुरु नौचा सिद्ध, वीडियो अगर अच्छे लगते तो शेयर जरूर करा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना। लाइव स्ट्रीमिंग जब भी मैं लाइव लेता हूँ, लाइव स्ट्रीम में आता हूँ, तो आप लोग जरूर जुड़ा करो, साधना संबंधित आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन वहाँ पे मंत्र तंत्र की कोई गिरह नहीं पूछनी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से प्रोवाइड करी जाती है वो गुरु सनिधि में अपने अनुभव के आधार पे आपको करी जाती है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाए जाते हैं,
कोई भी कार्य करना, घर में दुख तकलीफ है, हवन करवाना चाहते हो, सामग्री लेना चाहते हो, कंसल्ट कर सकते हो। जो उसका जनरल प्राइस है, खर्चा, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी। सो आदेश आदेश, जय गुरु मालिक, सबका भला।